हेलो एवरीवन, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं संदीप, नमस्ते, सलाम अलैकुम। और एक क्वेश्चन मुझे दर्शकों ने कहा, और मैं हर वीडियो में मैंने वीडियो बनाया इस प्रोडक्ट के बारे में, मैं हर समय कह देता हूँ ये प्रोडक्ट आपको फ्रॉम वेयर हाउ टू गेट दिस प्रोडक्ट। यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम amazon.in, उससे ये प्रोडक्ट आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर पाएंगे। और आपके उधर में कोई मेडिकल स्टोर हो तो स्टोर में पाने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका इसका जो प्रॉफिट है ये बहुत ही कम है, और कोई भी मेडिकल स्टोर और कोई भी स्टोर ये नहीं रखेंगे, ज़्यादा स्टोर नहीं रखेंगे। सो जिसके प्रोडक्ट सेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट हो वो लोग रखता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। इसका प्रॉफिट एक पैकेट अगर सेल करे तो इससे क्या प्रॉफिट है, 5 रुपीज़ है, इसका प्रॉफिट क्या होगा, 4 रुपीज़ है, और 4 रुपीज़ और 3.5 रुपीज़ और 3 रुपीज़ भी है एक पैकेट, तो उसके एक पैकेट सेल करने से अगेंस्ट में उसको उस दुकानदार को 2 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। और कुछ कुछ प्रोडक्ट है एक पैकेट अगर सेल करे उसका 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ सेल होगा। तो एक क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है, सब दुकान मेडिकल जो स्टोर है ये कंपनी नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हैं, ये कंपनी सब दुकान में नहीं मिलता, कुछ कुछ दुकान में सडनली मिलने का चांस होता है, आपको बहुत ही ढूंढना पड़ेगा। तो इससे सबसे इजी तरीका है, आज सबके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, स्मार्टफोन भी है और इंटरनेट फैसिलिटी सब कुछ है, तो आप अगर डायरेक्ट अमेज़ॉन से एक पैकेट, यानी आपको ये पैकेट नहीं परचेस करना पड़ेगा, पूरा एक जो बॉक्स होता है इतना बड़ा बॉक्स, वो उसका दाम 120 रुपीस है, टोटल आपको 120 पीसेस सबको मिलेगा, 120 रुपीस का 120 पीसेस मिलेगा। आपका अगर लक हो तो डिलीवरी चार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आपका फ़ायदा क्या हो, आपको बार बार मेडिकल स्टोर में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब ये मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं तो क्या करते हैं, हमने देखा और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये परचेस करने में जब कोई पुरुष जाते हैं मेडिकल स्टोर से, बहुत शर्मा कर बहुत कंफ्यूजन होकर जाते हैं, क्योंकि एक हर पुरुष को जब मेडिकल स्टोर में जाना ज़रूरत होता है तो उसको दिमाग में रखना ज़रूरत होता है, हम अगर जब जाए तब कोई लोग ना रहे, कम से कम लोग रहे। और जो मेरा जो 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 मेडिकल स्टोर है जो मुझको नहीं जानता, उस मेडिकल स्टोर में जाना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर मुझे नहीं जानता, बहुत दूर से ख़रीदना पड़ता है और बार बार ये जाना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, कब लोग कम हो तब जाना पड़ता है। और एक बहुत पुरुषों को बहुत ही शर्म आता है ये परचेस करने में, और मैंने और भी देखा कुछ कुछ पुरुष लोग ये जब परचेस करते हैं तो इशारा में कुछ बोलते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, वो एक पैकेट में एक एनक्लोज़र में ये डाल कर दे देते हैं। तो इसका और एक उसका एक इफेक्ट क्या होता है, आप जब वो परचेस करते हैं पैसा तो दे देते हैं पॉकेट में घुसाकर और दुकान से बाहर चले आते हैं, और ये भी नहीं देखते उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसका एक्सपायरी डेट क्या है। अगर एक्सीडेंटली
वो एक्सपायरी डेट हो गया तो आप घर में आकर फिर आप दोबारा उस दुकान में नहीं जाएंगे, जो भैया ये प्रोडक्ट एक्सपायरी है वो दुकानदार आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि बहुत से 90% कोई पुरुष नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क रहता है, क्योंकि इसका जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड अगर एक्सपायरी हो तो ये बॉडी के लिए बहुत ही खराब हो सकता है, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।